बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज के इस वीडियो में देखो यहाँ बात करने वाले हैं BSc सेकंड ईयर वालों के लिए। जूलॉजी का ये पेपर आप देख रहे हैं और जूलॉजी का बेटा ये सेकंड पेपर है, ठीक है। तो ये जो है वो बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो जौनपुर में है उसका यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी का ये पेपर है और ये BSc सेकंड ईयर वालों का है। अब आप देख सकते हैं 2022 में कैसा पेपर बना था, जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन वही पेपर में आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ इसमें कुछ जो है बात की जाए बैरी सोर्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 10 नंबर के, एक नंबर का एक क्वेश्चन, वो कुछ क्वेश्चन नहीं फंसे हैं, बाकी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सारे फंसे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो बने रही है, देखिए हम आपको प्रूफ करके दिखा दें कि जो क्वेश्चन हम देते हैं वही क्वेश्चन पेपर में आता है। अब देखेंगे कितना परसेंट इसमें फंसा है, ठीक है। और आगे जो भी आप पेपर देने जाएं वो हमारे YouTube चैनल पेपर हैकर द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं वही पेपर को देख के जाएं। अब ये देख लीजिए 50 नंबर का है, 3 घंटे में आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। यहाँ सेक्शन नंबर ए में हमसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए, मतलब कि आपको बहु अति लघु उत्तरी पोर्शन बोला जाता है जिनको, जिसमें एक नंबर का एक क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करोगे 10 नंबर का होगा और वो भी 50 वर्ड में, मतलब कि आधा पेज आपको भरना होगा। जैसे कि ये एक पेज है, एक पल्ट है, पर्सन नंबर एक लिखा है हमसे और हमने आधा भर दिया, तो आधे में ही 50 वर्ड आ जाएंगे बड़े आराम से और आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप नीचे जाइए, अब हम बात करने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों के, 50 जो वर्ड हैं उनके कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं तो देख लीजिए। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूँ ताकि आपको ये सिंपल तरीके से दिख जाए। पहला क्वेश्चन है सिबलिंग प्रजाति क्या होती है, तो सिबलिंग प्रजाति कौन सी होती है, मैंने प्रजाति के बारे में सिबलिंग प्रजाति के बारे में नहीं बताया था तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ बोला गया है पूर्णभंजी विदलन क्या होता है, विदलन जरूर बताया था लेकिन पूर्णभंजी विदलन के बारे में नहीं बताया, इसको भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ बोला गया है विस्थापनिक प्रजाति क्या होती है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। ये डार्विन के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था आपको, बताया एक क्वेश्चन यहाँ एक नंबर का बनता है। प्राथमिक अंडक की बात करें तो इसको भी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एमनियो की बात करें इसको भी छोड़ दीजिएगा और साथ ही साथ फेट मैप की बात करें तो ये भी छोड़ दीजिए। देखिए मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप पेपर को आप जो है आपने पढ़े जरूर होंगे, शॉर्ट शॉर्ट जो क्वेश्चन है आप जरूर बना बना के लिख के आओ, कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है तो उसे छोड़िएगा मत, आप उसके बारे में थोड़ा सा बना बना के जरूर करके आइएगा, लेकिन छोड़ के नहीं आना है कोई भी क्वेश्चन हो जाए, वो भले ही उसका एक नंबर दे देगा हो, भले ही वो आधा नंबर दे या फिर 0.5 नंबर दे, देगा जरूर आपको चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ देखिए आधी रेखा किसे कहते हैं, आधी रेखा मैंने इंपोर्टेंट नहीं दिया था, केवल यहाँ एक क्वेश्चन फंसा है मैं बात करूंगा, उसके बाद में हम बात करने वाले हैं। और उसके बाद में यहाँ देखिए ये हमारा नवा क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है युग को बहाव, देखो यहाँ बोला गया है और बिलियन युग बोला जाता है, इसको छोड़ दिया। पुनर्वर्तन का सिद्धांत, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, एक नंबर ये फंसा है, मतलब कि दो क्वेश्चन आपके फंसे हैं, 2 नंबर के आपके यहाँ हो जाते हैं, ठीक है। ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई जो मैंने क्वेश्चन दिया वही बताऊंगा, फालतू कुछ नहीं बताने वाला। अब यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन पहुंच जाइए, यहाँ 200 वर्ड में आपको आंसर देना होता है, मतलब कि जो आपका एक पेज है इधर से भी भर दीजिए और उसको लौटोगे इस साइड से तो इस साइड से भर दीजिए, उसके बाद में आप इधर को जाओगे फिर यहाँ खाली पेज मिलेगा यहाँ भर दीजिए, उसके बाद में इतना ही भर दोगे तो 200 वर्ड में हो जाएगा, 100 100 और 150 200, बड़े आराम से 200 वर्ड का हो जाएगा। और आप डायग्राम जरूर बना के आइए, ये देखिए हम देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बोला गया है पॉलियोजोइक युग के जंतु जीवन की व्याख्या कैसे करते हैं, ठीक है, जीवन की व्याख्या के बारे में बताना है। यदि आप ये क्वेश्चन ना कर सकें तो आप जानते हैं प्रजाति क्या होती है, ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था, और जैविक जो वैज्ञानिक थे उनकी धारणा के बारे में वर्णन करना था, ठीक है, तो ये फंस चुका है। उसके बाद में नीचे क्वेश्चन की ओर जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे क्वेश्चन क्लियर करके दिखाने वाला हूँ, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन हमसे बोला गया है, देखिए जो होता है ऑस्ट्रेल क्षेत्र और ऑस्ट्रेल परिमंडल जो होता है उसके बारे में वर्णन करने के लिए बोला गया है, ये पूरा क्वेश्चन आपका फंसा है। अब जो हमने बोला गया था ये क्वेश्चन ना कर सके तो जीवाश्म वाला कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, और जीवाश्म के प्रकार पूरा क्वेश्चन आपके फंसा है 5 नंबर का, आप देख सकते हैं। नीचे हम जाते हैं, ये बोला गया है वेलेस रेखा क्या होती है, ये मैंने इंपॉर्टेंट नहीं दिया था। और उसके बाद में यहाँ देखिए नीचे वाले क्वेश्चन यदि देखेंगे कि जैव विकास के बारे में, तो जैव विकास का जो शरीरात्मक और उनके कह सकते हैं परमाणु के बारे में पूरा क्वेश्चन ये फंसा है 5 नंबर का, आप देख सकते हैं 3 के 3 क्वेश्चन फंस चुके हैं यहाँ। और यहाँ देखिए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ बोला गया जैव विकास के संबंध में लैमार्क का सिद्धांत, पूरा क्वेश्चन वही फंसा है जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था लैमार्कवाद के सिद्धांत के बारे में इंपॉर्टेंट। और देखो ऑरिस्टल परिमंडल के बारे में जो क्षेत्र दिया था हमने, ठीक है, ये क्षेत्र क्या होता है, ये भी क्वेश्चन देखो, ये तो तीसरा क्वेश्चन भाई दोबारा
रिपीट हुआ है, पेंच वही है तो पहले मैंने बताया था, इस क्वेश्चन को जाइए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत अथवा वाला क्वेश्चन है, आप ये वाला उत्परिवर्तन के सिद्धांत को कर सकते हैं, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब नीचे छठे क्वेश्चन पे जाइए, यह बोला निम्नलिखित में से एक का स्वच्छ नामचित बनाकर आपको वर्णन करना है, जैसे कि जो होता है ना चूजे का भ्रमण की झिल्ली के बारे में है, देखो ठीक है, इसका वर्णन की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको आपको क्या है उसकी इमेज बताना है, वो भी नाम सहित। अब ये क्वेश्चन पूरा कर पाएंगे मुझे पता है, क्योंकि मैंने चूजे का वर्णन के बारे में पूरा तरीके से बताया कि अंडे के प्रकार और अंडे के किस तरीके से भिन्न होते हैं, पितांग के आधार पर अंडे किस तरीके से भिन्न होते हैं, वो पूरा सिस्टम बताया था, तो ये 5 नंबर का फर्स्ट आता है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं स्पर्म के बारे में पूछा गया है, जो परिपक्व जो कह सकते हैं जो मेटर स्पर्म जो होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा है, लेकिन मेरे हिसाब से ऊपर वाला आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूरा 25 नंबर का ये फंसा है। और हम नीचे जाएंगे, अब हम नीचे जाते हैं बेटा, नीचे जाएंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको करना है, ध्यान से देखिए, 500 वर्ड में है, 500 वर्ड का मतलब हो गया कि एक पेज यहाँ भरना है, उसके बाद में इधर पलटेंगे तो ये पेज भरना है, उसके बाद यहाँ फिर से भरना है, और इधर फिर पलटेंगे तो इधर भरना है, फिर इधर पलटेंगे तो फिर इधर भरना है, मतलब कि 2.5 पेज से 3 पेज आपको भरना है, ठीक है, 2.5 से 3 पेज भरना है, 7.5 नंबर का है तो आपको 15 नंबर यहाँ क्लियर हो जाते हैं। नीचे हम जाएंगे, अब नीचे क्या है बेटा, यहाँ देखो 7वें क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है डार्विन के प्राकृतिक जो है, ठीक है, वर्णवाद जिसे कहते हैं प्राकृतिक वर्णवाद का वर्णन करो, तो डार्विन के बाद में आपको एक्सप्लेन करना था, पूरा क्वेश्चन वही फंसा है जो हमने आपको इंपोर्टेंट किया था कि डार्विनवाद के बारे में अच्छी तरीके से, डार्विनवाद की आलोचना के बारे में वही यहाँ बोला था। देखो यहाँ बोला गया है भौगोलिक जो परिधि होती है, ठीक है, जो उसके बारे में जलवायु जंतु के आपको विविधता के बारे में पूछ रहा था कि उनकी जलवायु कैसी है, जंतुओं का भिन्नता कैसी होती है, ये आप कह सकते हैं। आप ये क्वेश्चन ना कर सके तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, तो देखो ये भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट दिया था, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन के बारे में, उसके विभिन्न प्रकार के बारे में वर्णन करिए, या फिर आप ये ना कर सको तो इसको देखो युग्मजनन के बारे में, तो मैंने आपको ये कहा था ये कि घोर के पी जाना आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है युग्मजनन क्या होता है, दोनों क्वेश्चन यहाँ फंस चुके हैं, ठीक है। और आप ये भी क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट दिया, मानव का उद्विकास का व्याख्या करो इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, ये क्वेश्चन ओवलेंस ऑफ मैन, ये क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट दिया था, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो 15 नंबर का ये फक्स आता है, 25 नंबर का ऊपर और 2 नंबर का वो, टोटल लगा दो ये 10 और 2 12 हासिल 1 4, 42 नंबर फंसे हैं, मतलब कि कह सकते हैं 42 × 50 × 100, मतलब कि ये हो जाएगा तुम्हारा 50 से 100 को काटेंगे 2 और 42 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 84% फंसा है। तो आप लगा सकते हैं कि आप 2022 के टॉपर बनने वाले हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, टॉपर बनना है तो पेपर हैकर को अभी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आपके दोस्त फैमिली मेंबर्स जो भी हैं उन्हें सबको बताओ कि पेपर हैकर से तैयारी करें, ठीक है, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम में है, तो उन्हें प्लीज़ यार बताओ कि पेपर हैकर से ही पढ़े, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हम संघर्ष करेंगे और समझ रहे ना अच्छे नंबर से विजय होंगे। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे नंबर से पास हो। थैंक यू वेरी मच, लाइक यू, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।